नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक मित्र जो हैं, वो जो फिलहाल डॉक्टर हैं, जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उन्होंने एक किस्सा बताया उस दौर का जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे। बात लखनऊ की है। लखनऊ में वो एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अपने इंटर्नशिप कर रहे थे। बताते हैं कि एक दिन रात को हमारी ड्यूटी लगती है और हम लोग खबर रखती है कि कोई बड़े नेता हैं, उनके बेटे का कार का एक्सीडेंट हो गया है और काफी डैमेज हो गया है, मतलब सिर विर बहुत डैमेज हो गया है और बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल लाया जा रहा है। साथ में हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर न्यूरो सर्जन जो हैं, उनको भी बुलाया गया। वो भले ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं, बट क्योंकि वो नंबर वन डॉक्टर माने जाते हैं, तो उनको स्पेशली बुलाया गया है और वो आ रहे हैं इस उनको ऑपरेशन करने के लिए। कहते हमें पता लगा, तो खैर रात का वक्त था, हम लोग तो खैर कुछ कर सकते नहीं थे, हम लोग चुपचाप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पेशेंट आता है, साथ में डॉक्टर साहब भी आते हैं, रात को 2-3 बज जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन करते हैं, 3-4 घंटे लगते हैं ऑपरेशन के अंदर और पूरे रात उसमें निकल जाती है। सुबह 6 बजे का वक्त था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत मतलब किस्मत से जो है वो पेशेंट बच जाता है। अब डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और डॉक्टर साहब बाहर आके चाय वाय जो पीते हैं, तो जो जो इंटर्नशिप करने डॉक्टर्स आए थे, तो उनसे बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि हाँ कहाँ किस कॉलेज से आप हैं, किस कॉलेज से हैं। बात करते करते जो डॉक्टर साहब हैं, जो कि इंडिया के नंबर वन डॉक्टर हैं, वो कुछ ऐसी बात बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। सुनना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो अगर आपको ये वक्त समझ में आ गई ना, तो कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड का मास्टर बन सकता है। तो एक उन्होंने ऐसी बात बताई है जो जिसने जो कि किसी भी व्यक्ति को कहते हैं मैन से सुपरमैन बनाने की क्षमता रखता है। बात यह है, बात करते करते उन्होंने बताया कि आज भी उनके पास एक किताब है, उनके पास एक बुक है। जब भी वो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने आते हैं, जैसे आज आए हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके पास एक बुक है, उसको वो पढ़ते हैं। अब ये बुक कौन सी है? ये बुक वो बुक है जो उनके अपने पढ़ाई के दौर में, डॉक्टर साहब के पढ़ाई के दौर में पढ़ाई गई थी। तो होती है एक किसी सब्जेक्ट की बड़ी फेमस किताब होती है, वो किताब जिसको पढ़ के उन्होंने एग्जाम दिया था, वो किताब उन्होंने आज भी रखी हुई है। अब उस बात को 25 साल हो चुके हैं। इस 25 साल के अंदर डॉक्टर साहब खुद अपने आप में हिंदुस्तान के नंबर वन डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत नामी न्यूरो सर्जन बन चुके हैं। वह कहते हैं कि वो आज भी जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर आता है, पहले उस किताब को पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद आगे ऑपरेशन करते हैं। कहते हैं कि किताबों की कमी नहीं है, लेकिन मैंने पिछले 25-30 साल से सिर्फ यही किताब पढ़ रहा हूं। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूं, तो हर बार कुछ नया मतलब निकल के आता है। हर बार लगता है कि हाँ कुछ और सीखने को मिला। जो लिखा है वो तो लिखा ही है, बट चूंकि जो एक्सपीरियंस मेरा होता है वो जब इस चीज से मिल जाता है, तो मुझे और वो चीजें एनलाइटेंड कर देती हैं, मुझे और वो अवेयर कर देती हैं, मुझे और भी बातें बता देती हैं। और अगर मैं आज नंबर वन डॉक्टर हूं, मैं हिंदुस्तान का न्यूरो सर्जन जैसी चीज में, तो सिर्फ इस बात पे कि मैंने सिर्फ एक किताब पर भरोसा किया, मैंने इसको हर बार पढ़ाया और पढ़ते 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 और अपने एक्सपीरियंस रखते हुए मैं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए और मैं बन गया। तो अगर आपको भी बनना है मतलब पीसीएस कह लीजिए, या आपको भी डॉक्टर बनना है जो उन्होंने कहा, तो आप अपने जो कुछ किताबें हैं उनको आप सदैव अपने पास रखो और उनको पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जिससे कि सभी चीजें आपके अंदर वो ठीक से समझ आए आपके, उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आज जो है वो हार्ट का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, और कल बोले कि यार अब दिल का मजा नहीं आ रहा, मैं तो घुटने का बनूंगा डॉक्टर। फिर 2-3 दिन 4 दिन घुटने का डॉक्टर बनेगा, नहीं मैं न्यूरो बन जाऊंगा। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से इलाज कराना पसंद करोगे? नहीं, आप चाहते हो कि आप एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जाओ, कि जिसके पास अपने काम करने की एक्सपर्टीज हो, तब तो सही है। मतलब यानी एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट बंदा वो होता है जो कि लगातार एक ही काम कर रहा हो, बार 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 रोज 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 एक ही काम कर रहा हो। ठीक है, रोज रोज करने से क्या होता है कि उसको अपनी उस स्किल के अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, महारत हासिल हो जाती है। ठीक है, और बार बार करते 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 वो उस पर एक्सपर्ट हो जाता है। कहते हैं कि आपको बार बार उस प्रोसेस को इतना बार फॉलो करना है कि आप उसे बोरिंग ना हो, बोरिंग यानी कि रोज वही करना है। जैसे आप सुबह उठ के अब ब्रश करते हो, अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन ब्रश करना है, एक्सपर्ट हो चुके हो, आप आंख बंद करके भी ब्रश कर लेते हो ना,
आप आंख बंद करके ब्रश कर लेते हो, आप कुछ सोच के भी ब्रश कर लेते हो, आप हाथ आपके चलते हैं वैसे ही है, आप एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक प्रोसेस को, एक चीज को बार बार फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है, तब तक फॉलो करना है जब तक वो बोरिंग ना हो जाए। और जब आप बोरिंग हो जाएगा चीजें, तब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर सफलता मिलना 100% हो जाएगा। अब इस चीज को अगर हम आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, स्टूडेंट्स में आती है कि सफल ना होने की प्रॉब्लम है। मैंने एक ही चीज देखी पिछले इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का लेकर, मैं एक ही बात को बार बार कहता हूं, ये जो कहानी सुनाई है कई बार सुना चुका हूं मैं, कि भाई देखो हर व्यक्ति के अंदर पीसेस बन जाने का पोटेंशियल है, हर व्यक्ति के अंदर पीसेस बन जाने का पोटेंशियल है। पीसेस बनना सचमुच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक बात को समझ लीजिए कि हमें कुछ चीजें पढ़नी है, लगातार पढ़नी है, ठीक है, और बार पढ़नी है। अपने इस प्रोसेस को हमें बोरिंग कर लेना है, यानी कि हमने कुछ किताबें ली उसको बार बार पढ़ते रहिए। मैं सबसे कहता हूं कि एक सेट ऑफ बुक्स है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको ठीक से पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, पढ़ लो मतलब इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार पढ़ो। क्या होगा कि एक बार आप उन चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे, और जहां तक मैंने पीसेस का देखा है, अगर बहुत बुरी किस्मत नहीं है आपकी, तो आपको मतलब भर की सफलता मिल ही जाएगी इसके अंदर, मिल जाएगी इसके अंदर आपको मतलब भर की सफलता। ठीक है, पीसेस बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लगातार उसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीसेस की रेंज छोटी ही है, वो जो ओवरऑल भी रेंज अच्छी खासी है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूपीएससी, एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, पीसेस की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ठीक से उस चीज को, अपना सिलेबस को ठीक से कवर कर लेते हो, आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर अपनी बताऊं मैं आपको बात, जब मैंने पीसेस का स्टार्ट की तो मैं एक ही बात अपने आपसे बोला कि मैं भाई एक स्टैंडर्ड किताब खरीदूंगा किसी भी सब्जेक्ट की, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदूंगा, यानी घटना से खरीदूंगा। और मैं यकीन मानिए मैंने हर सब्जेक्ट की दो ही किताबें पढ़ी, मैंने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी जिससे कि उसको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, और पीवाईक्यू पढ़ लिया। और यकीन मानिएगा मैं हमेशा कहता हूं कि शायद बाकी लोगों को 100% मेहनत लगती होगी, मुझे 20-25% के अंदर ही मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया था। यहां तक आप भी पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत बात ठीक है, होना ना होना वो अलग बात होती है, वो सेपरेट है, लेकिन मैं कहना कि मतलब अगर सफलता मिल जाएगी आपको, इतना तो पहुंच जाओगे, आप ऊपर तक तो पहुंच ही जाओगे, बाकी तो चीजें अलग है। ठीक है, तो 20-25% क्या है, डिस्ट्रैक्शन को रोक देना। हर बार गए पहले क्या था, पहले आप जाओ मार्केट में, अरे कौन सी किताब, एनसीईआरटी किताब आई, आपने एनसीईआरटी किताब खरीद ली, फिर आपका क्या घटना सर की कौन सी किताब आई, पॉइंटर आया, आपने वो भी खरीद लिया, फिर कौन सी महेश वड़ोंगाल की पॉइंटर आई है, आपने वो भी ले ली, फिर आपने कहा नहीं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई, आपने वो भी किताब। हर बार जब आप नई किताब खरीदते हो ना, हर बार आप अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हो, इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। आपको करना क्या, आपको जो भी प्रोसेस है उसको, प्रोसेस को अंत तक बार 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 फॉलो करना है। अब आप एक बात समझिए, कुछ लोग जो हैं वो इतनी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, मतलब किसी ने कोर्स ज्वाइन किया, चाहे कहीं भी किया हो, चाहे हमारे यहाँ किया हो, चाहे कहीं पर भी किया हो, या खुद पढ़ना बैठ गए, पढ़ाई शुरू की 15-20 दिन के बाद समझ नहीं आ रहा, लगता है ये गलत फंस गए, फीलिंग आ जाती है नहीं यार मजा नहीं आ रहा, यहाँ से निकलेगा नहीं, क्यों भाई क्या हो गया, 15 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्रॉब्लम ये है कि उतना पेशेंस नहीं है कि प्रोसेस को पूरा कर ले जाए। अब प्रोसेस का मतलब होता है साल भर पूरा पढ़ाई करके एक पूरा सिलेबस खत्म कर देना, अब इतना पेशेंस ही नहीं हो रहा है कि सिलेबस खत्म कर पाए। ठीक है, अब जब ये आप बेचैन होते हो तो आप एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस पे आ जाते हो, और फिर वहां से जीरो शुरू करते हो। करना क्या चाहिए कि आपको उसी प्रोसेस जो आपने फाइनल किया है, इसीलिए प्रोसेस को शुरू करने से पहले बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए कि मुझे किस टीचर का, किस कोचिंग का, किस तरह का प्रोसेस स्टार्ट करना है, फॉलो करना है, और एक बार आपने फाइनल कर लिया तो उसको अंत तक रखिए। इसलिए शुरुआत में पहले थोड़ा सा जांच परख का काम कीजिए। अब देखिए, अब एक बात सोचिए कि अगर नर्सरी केजी को पास करने के लिए भी 1 साल का समय लगता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पीसेस जैसे पेपर के लिए भी आप 1-2 महीना पढ़ के पीसेस बन जाओगे। आपको क्या रोज मसालेदार चीजें चाहिए क्या, आपको क्या रोज नया नया पीडीएफ चाहिए, नया नया आपको खबरें चाहिए? वही है कि एक हफ्ते का पॉइंटर लिया, दूसरे हफ्ते का वो यूपीएससी की किताबें लिया, फलाना, आप किताबें इकट्ठी करते जाओगे, किताबें इकट्ठी करते जाओगे और अंत में कहीं पहुंच नहीं पाओगे।
पहुंचोगे तब जब आपका प्रोसेस बड़ा बोरिंग होगा, यानी कि चार किताबें होंगी आप उसको पढ़ रहे हो बस, फिर चार किताबें फिर उसी को पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, आप देखोगे कि चीजें हर बार जब आप एक बार रिवाइज करोगे, हर बार आप जो है नया कुछ लेकर आओगे, हर बार कुछ नया आएगा आपके पास। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं रॉकेट साइंस यार, इतना सिंपल है कि मतलब मुझे कई बार लगता है कि यार बातें पता होनी चाहिए लोगों को, फालतू में इतना डरा के रखा हुआ है। ठीक है, डरना नहीं है। और दूसरी बात ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बिजनेस नहीं बन सकते, आप डिजर्व करते, सब बन सकते हैं। मतलब हर, मैंने कहा ना, मतलब हर की सफलता प्री निकाल देना, मेंस निकाल देना, यहां तक तो आप पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो, मैं पहुंचा ना इंटरव्यू तक, आप भी पहुंच सकते हो, मुझसे ज्यादा मेहनत आपने करते हो गया, मैं इतना मानता हूँ कि आपने मुझसे ज्यादा मेहनत किया, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझसे ज्यादा आपके रिसोर्सेज रहे होंगे। ठीक है, तो जब मैं वहां तक पहुंचता हूँ आप मुझसे भी आगे पहुंच सकते हो। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है वो है प्रोसेस को फॉलो करते रहना, प्रोसेस को फॉलो ही नहीं हो पाता, प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाता भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, जितना आसान ये वीडियो देखना है कि हाँ भाई अच्छा प्रोसेस फॉलो करना, यानी कि हम एक किताब खरीद लें उसको बार पढ़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यकीन मानिए जितना आसान ही लगता है ना कि ठीक है सर ने कहा था कि ये किताब ये पढ़ लो, दो किताब घटा जा पढ़ लो उसमें तो हो जाएगा, और ये तो कर ले चलो खुद कर लेंगे, कर लोगे, सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, बस समस्या ये है कि इसको फॉलो करने में उतना मुश्किल है, फॉलो करना चैलेंजिंग हुआ। क्यों चैलेंजिंग है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप ओवरवेट हो गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई घूमो, आप वॉक किया करो, सिंपल आप वॉकिंग करो शाम को आके, आप सुबह नहीं कर सकते शाम को, ठीक है, और आपको आधा घंटा घूमने, 10 में से 9:30 टाइम ना आप देखोगे कि लोग सिंपल सा वॉक नहीं कर पाते हैं, तो कौन सी रॉकेट साइंस है। डॉक्टर ने कहा कि आधा घंटा टहल लो पार्क में जाके, अब वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करना सबसे चैलेंजिंग है, नहीं हो पाता, इसके अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो प्रोसेस हमारे सिंपल होता है बट चैलेंज फॉलो करना होता है। तो या तो आप अपने आप को उतना डिसिप्लिन कर लो, उतना डिटरमाइन कर लो, उतना आप लोग स्ट्रांगली अपने रख लो कि ना मुझे एनी हाउ उस चीज में फॉलो करना है तो करना है, मुझे सुबह 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, या तो कर ले जाओ, क्योंकि बहुत आसान काम सुनने में आसान है और कर गए तो बहुत आसान चीज है, या तो कर ले जाओ, नहीं हो पा रहा है तो फिर चीजों को हेल्प लेना शुरू करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जिम जाते हैं, जिम में भी जाकर वो एक्सपर्ट एडवाइस लिया करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस भाई जिम आ तो गए लेकिन अब जिम को मैं आके मैं भी वो बेहतर तरीके से प्रोसेस को कर पाए, वो अपनी पूरी एक्सरसाइज कर पाए, इसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है। हर ये व्यक्ति व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है जरूरत लगती है बहुत अच्छी बात है, जरूरत नहीं लगती है कोई दिक्कत बहुत अच्छी बात है, खुद कर लो। ठीक है, तो अगर आप खुद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड किताब खरीदो और घंटा सा खरीदो, उसी को पूरा कर लो, और अगर आप कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो ठीक है, तो 2025 के लिए यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है 2025 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए यही जो प्रोसेस है इसको मैं कराऊंगा फॉलो। मैं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं दूंगा आपको ना, मेरे पास आप मत समझना मेरे पास अजूबा है, कोई अजूबा होता ही नहीं साहब, अजूबा नहीं होता, अजूबा छोड़ो, अजूबे अगर अजूबा ढूंढने जाओगे ना तो आप अजूबे बन जाओगे, अजूबा मिलेगा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो कराऊंगा भाई, सिंपल, एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर की तरह, स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर होता ना, यानी कि आपको जो है आपको रोज जो काम दिया जाएगा वो काम आपसे करवाया जाएगा, आपसे प्रोसेस फॉलो करवाया, आपको आपसे जो है वो प्रोसेस फॉलो करवाया जाएगा। अगर आप इस बात पे यकीन करते हो ठीक है, तो 2025 के लिए जो है प्रीपेयर मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए मुझे, ठीक है, और बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपसे सारे काम करा ले जाऊंगा स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर की तरह। अगर आप एग्री करते हो इस बात को लेकर तो इस नंबर पर कॉल करिए, 25 की तैयारी करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप खुद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कहा खुद कर सकते तो कर लो, लेकिन अगर आप अजूबा ढूंढने की कोशिश करो तो अजूबा ढूंढने बताना मेरे पास, क्योंकि अजूबा ना वो नोट्स पे नहीं होता, अजूबा सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोसेस के अंदर होता है। अगर इस बात पर यकीन करते हो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तब तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। थोड़ी सी फीस है कोचिंग की, इस प्रोसेस की, वो आप पे करेंगे, अगला साल डेढ़ साल का जो भी टाइम रहेगा वो पूरा प्रोसेस करके मेरी जिम्मेदारी रहेगी आपको पीसेस कराने की।
आप कॉल कर सकते अगर, हाँ लेकिन तब वही बात तभी करिएगा जब आपको इस बात पे यकीन हो कि हाँ प्रोसेस इज एवरीथिंग, अजूबा नहीं ढूंढना मुझे, मुझे जादू का कुछ नहीं ढूंढना। अगर आप रोज पढ़ सकते हो, रोज पढ़ना मतलब प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, तभी मुझे कॉल कीजिएगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा, अन्यथा ना आप खुद डिस्टर्ब होइएगा ना मुझे डिस्टर्ब कीजिएगा। थैंक यू।